दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप न्यू ब्लॉग स्टार्ट किया है, पहले वाला बहुत लॉन्ग हो गया था। अब हम जा रहे हैं, अब चले गए हैं फैसलाबाद। अब मैं जा रहा हूँ चाचू जी के साथ, चाचू नगर के साथ फैसलाबाद। उनकी अलग गाड़ी है, आपकी अलग है। वो काफ़ी टाइम से निकल गए हैं वसीम खान, और वो तो उन्होंने कहा कि आप चाचू के साथ आ जाओ। तो यही पे डीजल डलवाने के लिए हम खड़े हैं। पीछे बैक साइड पेट्रोल पम्प है इनकी कंपनी का, यहाँ पे जो भी रूट हो वहाँ से ये कर लेते हैं। इंशाल्लाह तकरीबन शाम तक हम पहुँच जाएंगे। आज रात वहीं पे हैं, देखते हैं कि मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ किस साइड। फैसलाबाद पहले मामू के घर गया था, उधर नहीं जाना, उनके साथ ही रहना है। जो भी इंतज़ाम वगैरह होगा वहीं पे करेंगे। दोपहर का खाना खा के जो है अभी निकले हैं, ये साथ ही हैं। पहले अबू निकल गए हैं काफ़ी टाइम, दोपहर से खाना खा के फौरन तो हम यहाँ पे थोड़ा सा लेट निकले। बस इंशाल्लाह सफ़र में ही है ये ब्लॉग भी, पहले वाला भी। तो आई होप पहले वाला भी आपको पसंद आया होगा, ये भी इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा लगेगा। स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट तो है, तो अभी आपको दिखाता हूँ रास्ते में अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। अब हम सफ़र पर रवाना हो चुके हैं और चाचू मैं सफ़र पर जा रहे हैं। अबू पहले निकल चुके थे और ये रास्ते में वो हमें उनसे टकराव हुआ है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं और हमारी छोटी गाड़ी थी तो इसलिए हम कार में जा रहे थे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन घंटा हमें लगा है और यहाँ पर हम अपने डेस्टिनेशन पर आ गए। यहाँ मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, यहाँ पर पहले अबू आते रहते हैं और ये जगह सोई गैस के पास तकरीबन 13 सालों से है। चाचू भी कह रहे थे कि जो सबसे पहले मैं आया था तो वो यही जगह थी और इस जगह से मेरा बहुत ज़्यादा लगाव हो चुका है। तो ये तीसरी मंजिल पे चाचू का कमरा है और थोड़ी देर बाद ये अबू आ गया और खाने का इंतज़ाम वगैरह हुआ और मिल के ये चाचू के का भांजा भी बैठा और भतीजा भी बैठा और ये साथ हेल्पर्स भी हैं। तो मिलके अब हम खा रहे हैं खाना खाने के बाद दोबारा काम पे चले जाना है। ये दोबारा वापस है जहाँ पे अबू ने ट्रेलर खड़ा किया था, वहाँ पे आए हैं और ये क्रेन भी है अनलोड करने के लिए। तो वो उन्होंने जो स्टीनिंग टीम है उन्होंने अपना काम कर लिया है और अब हम जा रहे हैं वहाँ पे अनलोड करवाने के लिए। वो जगह बताएंगे तो वहाँ पर अनलोड करेंगे। तो ये देखें अलग अलग जगहों पर ये अनलोड कर रहे हैं और ये रात का तकरीबन 1:30 बजे का टाइम है। और ये देखें ये चार पाँच इकट्ठे ये अनलोड कर रहे हैं। अनलोड करने के बाद यहाँ पे हम फिर अबू चले गए थे अलग साइड पे और मैं फिर चाचू के साथ चला गया था। अबू ने कहा था कि आप हमारे साथ नहीं आओगे, आप चाचू के साथ में रहें, वहीं पे आपकी रिहाइश वगैरह होगी। तो अबू ने कुछ गाड़ी का काम करवाना था। इस वजह से फिर मैं चाचू के साथ आ गया और सुबह हो चुकी है और अब जा रहे हैं अबू के पास अब जाएंगे। तो फर्स्ट टाइम ही है ये, बस मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन्हीं के साथ ही सारा लाहौर और इधर उधर के इलाके फिरूंगा। स्पेशल तो मैं जाने से रहा, यहाँ से अबू के लिए नाश्ता ले रहे हैं और वसीम खान के लिए। तो आई थिंक जहाँ पे वो बैठे हुए हैं शायद वहाँ पे कुछ नाश्ते का इंतज़ाम नहीं है। हाँ, बाकी इस जगह पर हम पहुँचे हैं, देखें यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पानी का इंतज़ाम नहीं है तो नाश्ते का कहाँ से होगा। तो ये सिर्फ पाइप ही पाइप पड़े हैं, एक बहुत खुला सा यार्ड है और ये क्रेन खड़ी है इनकी जो अनलोड करेगी। तो ये अब ये तीन लोग थे, हाँ तीन लोग, ये अब नाश्ता करेंगे। वेलकम मैं दोस्तों, अभी अबू के पास मैं आया हूँ यहाँ पे साइयां वाला। तो ये पाइप यार्ड है बहुत बड़ा, पाइप ही पाइप है
यहाँ से इन्होंने पाइप लोड करके जाना है उधर दूसरे रूट पे, वहाँ पे अनलोड करेंगे और हो सकता है मैं चला जाऊँ वापस लाहौर, तो उनको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा यहाँ पे। बस यहाँ से पाइप ही लोड करने हैं, तो रात को तकरीबन 1:30 बजे हम वापस आए थे। अबू इधर आ गए थे और मैं जाजिम साथ उधर रिहाइश गाह पे चला गया था, तो अबू ने यहीं पे वहाँ पे टाइम टाइम पहले आपको दिखाया, उधर अबू रात रहे थे। यहाँ पे बस रात में इन्होंने स्ट्रेनिंग करनी थी पाइप से, जहाँ जहाँ पाइप लाइन नहीं है वहाँ पे इनका काम है। अभी ये मैं आपको दिखाता हूँ, वो देखो क्रेन लग गई है और यहाँ से वो पाइप उठा उठा के दूसरी साइड से उसके ऊपर लोड कर रहे हैं। अब हम दूसरी साइड पे जा रहे हैं पाइप लोड करके, और ये बहुत साफ़ सुथरा एरिया है जो जिस साइड पे जा रहे हैं। पहले तो इतना अच्छा नहीं था, अब ये इधर कोई अबू कह रहे थे कि अभी नए नए रोड बनाए, तो ये मैं देख रहा हूँ सिवाय मुझे यहाँ फैक्ट्री एरिया के कुछ नज़र नहीं आया। और ये जो हमारे खाने वाले में और कबीर वाले में जदीद फैक्ट्री है, जदीद मिल, तो यहाँ पे भी जदीद है, ये भी उसी मालिक की है। ये देखें ये जदीद फीड्स, ये भी उसी मालिक की है जो है हमारे मतलब खाने वाले में। और ये कुछ ट्रकों के मशहूर शेर मुझे अचानक से मेरी नज़र से गुजरे, तो मैंने कहा चलो मैं अगर आपको समझ आती है तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये ज़रा देख लें। तो वहाँ पे अभी रुके हैं और भूख काफ़ी लग गई थी और बिरयानी अबू ने कहा आप लोग ले लो, मैंने नहीं खानी। तो वसीम खान और मैं अब गाड़ी अबू चला रहे हैं, साथ दूसरे हेल्पर्स जो थे स्टीनिंग टीम वो भी अबू के साथ आगे बैठ गए हैं। तो हमने कहा चलो हमें खाना खाने दें, आप लोग तो खा के आ चुके हैं। तो ये शाही बिरयानी पॉइंट है, अब मैं तकरीबन शहर की सारी बिरयानी खा ली है, शेखुपुरा वाली साइड की सारी बिरयानी है अब मैंने खा ली है। ये भी शेखुपुरा से ही लिया है, अब आगे जा रहे हैं। तो बिरयानी अच्छी है लेकिन इसमें मिर्चें काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने सफ़र में भी रिस्क अदा किया। पाँच बजे का टाइम है और अब हम आ गए हैं वापस अपनी कैंप वाली साइड पे, तो यहीं पे आराम वगैरह करेंगे। जब सफ़र में हो चाहे पीछे जितनी भी आराम दे नशस्त हो या बेड हो, लेकिन आराम उसी जगह पे आता है जहाँ जो आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन होती है या जहाँ पे आप पहले ही मौजूद रहते हैं रिहाइश गाह पे। तो ये उसी जगह पे अब वापस आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे रेस्ट करेंगे तो और खाना वगैरह खा के सो जाएंगे। और ये मैंने देखा अचानक से चाचू हाजी भी आए हुए थे, चाचू घर गए हुए थे तो तकरीबन बड़े टाइम बाद इनसे मुलाकात हुई। और ये चाचू मैं लेने आए थे यहाँ पे, कढ़ाई बनवाने आए थे। यहाँ का टेस्ट अच्छा है, सादा सा होटल है बिल्कुल बाईपास के साथ, तो सिटिंग अरेंजमेंट अलग है लेकिन हम अलग लेके गए हैं। और ये यहाँ पे सारे सोए पड़े हैं, ये देखें बड़ा ठंडा ठंडा माहौल होता है आपको पता है सुबह सुबह। तो ये जनाब अगला टाइम, और सारे बुज़ुर्ग मैकेनिक कुक अबू के पास आके बैठ जाते हैं और ये साथ अबू की खिदमत भी कर रहे हैं। और देखें ये लूडो का मैच होता है यहाँ पे बहुत ज़ोर शोर से, तो अगर लूडो का मैच हो रहा हो तो मैं सुकून से बैठ नहीं सकता यहाँ पे अगर कॉल आ जाए। तो ये इमरान भाई के साथ मैं वापस आ रहा हूँ बाइक पे, तो उन्होंने कहा कि मैं भी लाहौर रहता हूँ तो आपको मैं वहाँ पर छोड़ दूँगा। और ये अचानक से मेरे ख्याल में कोई पेट्रोल की हड़ताल है और उस वजह से ये ना बहुत ज़्यादा मुश्किल फेस करने के लिए हमें। हाँ वाकई ये देखें बहुत ज़्यादा, जहाँ पे घंटे में पहुँचना था हमें 2.5 घंटे लगे हैं यहाँ तक आते आते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तकरीबन घंटा पहले मैं हॉस्टल पहुँचा हूँ और आके फौरन ही नहाया हूँ और नहा के फ्रेश हुआ हूँ। बहुत बुरी हालत थी, एक तो मेरे बड़े बड़े बाल हैं, बाइक पर आया हूँ तो आपको पता बहुत सारे ऐसे हो गए। तो पेट्रोल की हड़ताल थी, उसकी महंगाई के खिलाफ लोगों ने ट्रैफिक जाम की हुई थी मोटरवे पे भी, रिटेल रोड पे भी, तो बहुत मुश्किल से आए हैं। तकरीबन जाम में घंटे में पहुँचना था, 2.5 घंटे में लग गए। तो मुझे पता नहीं था कि मोटरवे पे होगी हड़ताल होगी या नहीं होगी, लेकिन वो तो बाई चांस हम लाहौर में एंटर होते गए तो मेरे होते चले
कि वो तो हटा दो ना की गई है। तो बस ये है कि ये जो मेरा व्लॉग है सारा सफ़र में ही गुजरा है, और अभी मैं जा रहा हूँ सब्ज़ी लेने के लिए, शाम को कुछ खाने का करना वहाँ पर शो अब पानी सारा कुछ वो मैनेज कर ले कर रहे थे, लेकिन अब तो मैं नहीं कर रहा। साल तुम क्या आ रहा है ठीक ठाक? तो आई होप कि आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा ट्रेंडिंग वाला, अगर ये अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अल्लाह ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।